बहुत बड़ा मसला है भाई। ओ इधर नहीं, इधर नहीं, डोंट डू लाइक दिस। हाँ, टेक इट अवे, टेक इट अवे। देखो भाई, जो लोग हॉस्टलों में रहते हैं ना, उनके लिए एक सबक है ये। पहले तो आप ये देखो, ये क्या है? ये है, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको बैड बग, मतलब सीधी सीधी बात है, ये जू है बिस्तर में रहने वाली। जो लोग अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल उनमें छोड़ जाने के बाद उनका नाम नहीं लेते, देखते नहीं उन्हें, वाकत जाके उनको, उन्हें ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि वहाँ कितना हाइजीन वहाँ चीजें हैं। ये बंदा है, इसके बेड में कितने सारे बेड बग हैं, कमाल है भाई। और इधर ही से जाके ये दूसरे लोगों को भी तंग कर रहे हैं। When did you notice this one first time? No. This time only. Today is very high, very heavy. Oh. Yeah. they suddenly attack on you. Yeah. Yes. Finally tumor today. Not one or two. Oh my God. देखो भाई. Like army. भाई देखो भाई. इस बंदे पे सारी army ने एक ही बार में attack कर दिया है. हिंदी इसको समझ आती नहीं, बहुत थोड़ी आती है. और अभी ये आया है. You are just coming from your shift ना? You're just coming from your office. Yes. हाँ, ये USA के लिए काम करता है और इंडिया में रहता है, इंडिया में काम USA के लिए कर रहा है, बट इसकी हालत खराब कर दी है इंडिया की जुओं ने। हाय हाय। हाँ, यू मस्ट स्पीक विद हादी इन द मॉर्निंग और साई। ओके, ये हाल है भाई हाईटेक सिटी के हॉस्टल का। और हॉस्टल भी बहुत हाईटेक है, साफ सफाइयां होती हैं, बट पता नहीं इसके साथ क्या मसला हो गया है। हाँ, ओके, डू दिस। लो जी, कमाओ घर से बाहर रह के। दिन में ऑफिस में बॉस सीनियर वो लोग विवेक जू हैं, वो आपका खून पिएंगे, और शाम को आके आपके बिस्तर की बैड बग्स। ठीक है भाई।